हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं हूँ देवलीना। एंड आज सुबह मतलब आज है सैटरडे। सैटरडे अभी ऑलमोस्ट हो रहा है 8, और मैं किचन में आ गई थी कुछ 7:30, 7:15 एंड ऑल, क्योंकि आज सुबह सुबह बनाना है सारा ये जो फालूदा है, फिर मैरिनेट करना है मुझे पनीर को और मशरूम को भी, क्योंकि आज हम लोगों का एक छोटा सा बारबेक्यू पार्टी है मेरे एक फ्रेंड के घर में। तो वो लोग मतलब फुल फैमिली, 4 फैमिलीज हैं, तो कोई चिकन मैरिनेट करके लाएगा और कोई राइस एंड फिश या ऐसे कुछ, और कोई स्टार्टर ऐसा। तो मेरे पे है ये पनीर, फिर मशरूम और ये फलूदा। तो फलूदा मुझे एक्चुअली ना कल रात को मैं अगर बना के रखती ना तो अच्छा होता, फलूदा का एटलीस्ट जो मिल्क का जो बेस है, पर कल रात में मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, बस हो गई थी। सुबह सुबह उठ गई ना मैं पहले ही, इधर पे है मिल्क, सो मिल्क को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। अभी फलूदा मिक्स तो मुझे मिला नहीं, अब मैं मेरे तरीके से फलूदा बनाऊंगी। मैंने इसमें बहुत कम क्वांटिटी में थोड़ा सा वेनिला कस्टर्ड पाउडर यूज़ करूंगी, ताकि वो थोड़ा सा जो थिकनेस होता है ना वो आ जाए। मतलब बहुत ही कम यूज़ करूंगी। इधर पे ऑलमोस्ट 2 लीटर मिल्क है, तो इतने मिल्क के लिए मैं करीबन शायद 2 टेबल स्पून ऑफ, जस्ट थोड़ा सा वो थिक हो उसके लिए मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी। एंड अभी मैं ये फलूदा सेव भी सारे बॉयल करके रखूँगी। और इधर पे ना सुबह उठ के ही ये जो मेरे पास सब्जा के सीड्स थे ये मैंने भिगो दिए हैं। पर ये बोल रहा, मतलब मैंने YouTube में देखा, ये बोल रहे थे कि 5 मिनट में ये बिल्कुल फुल जाता है। 5 मिनट में थोड़ा सा तो फुले है, पर बिल्कुल मतलब पूरा फुला नहीं है। होपफुली मतलब 1 घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी मैं जल्दी जल्दी ये बनाती हूँ और उसके बाद मैं करूँगी मैरिनेशन, क्योंकि चिकन तो है नहीं कि बहुत चिकन, या मतलब अगर कोई मीट का आइटम हो ना उसको बहुत देर से मैरिनेट करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। पर पनीर और मशरूम इज समथिंग कि वो मैरिनेशन तो बाहर में ही रहता है, तो मतलब बहुत देर से मैरिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं मैरिनेशन की प्रोसेस करूँगी, पर पहले ये सारा कर लूँ। और आज मैं कोई भी मतलब ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊँगी मेरे और राजीव के लिए, क्योंकि वो ऐसे ना ब्रंच की तरह है, 11:30 बजे जाने के लिए बोले हैं। तो मैं सोच रही हूँ 11:15 तक निकल जाऊँ घर से। तो हम लोग सुबह में ना सिर्फ चाय और बिस्किट्स इसी के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, और चाय बिस्किट्स मेरा बहुत फेवरेट है पर्सनली। तो चलिए जल्दी जल्दी फलूदा बनाते हैं, मतलब फलूदा के मिल्क बेस रेडी करके ना मैं उसको जल्दी से ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ करूँगी। जल्दी ठंडा हो जाए मैं फ्रिज में रख दूँगी, और जाने के टाइम पे फ्रिज से ही निकल के ले जाऊंगी। चलिए जल्दी बनाती हूँ। तो जैसे मैं बोल रही थी, मेरा दूध अभी ऑलमोस्ट उबल चुका है, और जब दूध उबल रहा था तब मैंने थोड़ा सा इसमें शुगर ऐड किया है, पर बहुत ही कम मैंने शुगर ऐड किए हैं, क्योंकि इसके बाद रू अफ्ज आ जाएगा इसमें जो बहुत मीठा होता है, उसके बाद आइसक्रीम भी पड़ेगा। तो शुगर इस टाइम पर मैंने बहुत ही कम ऐड किए हैं, और अभी मैं थोड़ा सा मिल्क अलग से ले रही हूँ ताकि मैं उस पर कस्टर्ड के पाउडर थोड़ा सा ऐड कर सकूँ। थोड़ा सा हटके रहना, ये फलूदा पर ट्रस्ट में बहुत बहुत अच्छा हुआ था ये। तो मैं अभी थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर, जो मैंने कस्टर्ड पाउडर के साथ मिल्क का जो पेस्ट बनाया था उसको छन्नी से छान के इसमें दे दिए हैं। ये ना कोई कस्टर्ड के जैसे उतना घना नहीं बनाएगा, पर थोड़ा सा मिल्क को ना एक थोड़ा सा घना एक टेक्सचर दे देगा, जो सच में बहुत हेल्पफुल था, एंड बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ था ये फलूदा। तो जब मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद थोड़ा सा उसको बॉयल किया, अभी मैं अलग से उसको रख रही हूँ, मतलब मिल्क बेस मेरा रेडी है तो उसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ ये फलूदा का जो बॉयल फलूदा है। तो मेरे पास 2 पैकेट था, 1 पैकेट मैंने ऐसे बना लिए हैं और इसको मैं अभी मिल्क के साथ ऐड कर दूंगी, और 1 पैकेट मैं बॉयल करूंगी ना उसको अलग से रख दूंगी, बाद में जब ग्लास में मैं करूंगी ना
तभी भी नीचे में थोड़ा सा फलूदा देना तो अच्छा लगता है ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा फलूदा अलग से रख दिए हैं। तो ये जो पैकेट का फलूदा था ये पूरा मैं दूध में ऐड कर दूंगी, इस पे मैंने सब्जा भी ऐड कर दिया है एंड दैट इज द क्वीन ऑफ द डिश, दैट इज रू अफजा। तो अभी मैं थोड़ा सा रू अफजा ऐड करूंगी, करीबन 2 बड़े स्पून रू अफजा मैं अभी ऐड कर दूंगी ताकि मिल्क का कलर थोड़ा सा पिंक हो जाए, और बाद में तो जब ग्लास मतलब असेंबल करूंगी तभी भी रू अफजा ऐड करना पड़ेगा। तभी मैंने करीबन 2 टेबल स्पून मैंने रू अफजा इसमें ऐड कर दिए हैं, और दूध भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है इसलिए मैंने ना इसको फ्रीज में रख दिया था। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम फुर्सत मिला है कि मैं चाय बना लूं, और जैसे मैं पहले भी बोल रही थी आज चाय के साथ सिर्फ बिस्किट होगा हम दोनों का ब्रेकफास्ट, मेरे और राजीव का, और शिवांश के लिए तो मैं अलग से ब्रेकफास्ट बनाऊंगी ही। तो इस तरफ मैं चाय बैठा के ना दूसरे तरफ मैं और काम कर लूंगी कि मैं अभी कर रही हूँ जो मेरे मशरूम्स का मैरिनेशन बनेगा ना, तो मैं मशरूम्स को अच्छे से धो लूंगी और उसको पेपर टॉवल से ना पैड ड्राई कर लूंगी। अगर मशरूम आप बनाओ ना, मुझे नहीं पता, मैं एटलीस्ट 2 से 3 बार उसको अच्छे से धो लेती हूँ, और धोने के बाद अगर ऐसे मैं स्कीवर्स के अंदर उसको मैरिनेट करूंगी तो मतलब थोड़ा सा भी पानी रहना चाहिए, तो मैंने अच्छे से उसको पेपर टॉवल से पैड ड्राई कर लिया है। तो ये सारे काम करते करते मेरा चाय भी बन चुका है, तो आज का ब्रेकफास्ट मेरे लिए बहुत ही अच्छा है कि चाय के साथ बिस्किट्स लेना। तो मैं क्या मतलब आज मैं ना बैठ के चाय एंजॉय नहीं कर पाई, मैं चाय पीते पीते मैं काम भी कर रही थी। तो अभी ना मैं सारा जो मेरे ये वेजिस का चॉप वेजिस लगा मतलब क्यूब वेजिस लगे थे वो मैंने कट कर लिया है, जैसे स्क्वायर्स के अंदर देने के लिए सिर्फ मैंने कैप्सिकम एंड अनियन ऐड किया था, और मेरे पास ना कुछ 8 ऐसे स्टील के स्क्यूअर्स थे, और तो मुझे और भी ज्यादा एक्चुअली कबाब बनाना था, तो मैंने ना ऐसे बम्बू स्क्यूअर्स भी ले लिए हैं, और जैसे आप सबको पता है बम्बू स्क्यूअर्स को तो थोड़ा सा पानी में भिगोना पड़ता ही है, तो मैंने उसको पानी में भिगो के रख दिए है। और अभी मैं पनीर को कट कर लूंगी, और पनीर जैसे आप अगर कबाब के यार ऐसे स्कीवर्स में अगर आप लगा रहे हो उसको आप बर्बीक्यू करने के लिए यूज कर रहे हो ना, तो पनीर के पीसेस हमेशा थोड़ा सा बड़ा रखिए, नहीं तो अगर आप इसको स्कीवर्स के अंदर घुसाने के बाद ना जब आप इसको बर्बीक्यू करोगे तब एक टूटने का चांस होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा इसको कट कर लिए है। और देखिए मेरा मैरिनेशन भी हो चुका है, इधर है पनीर और ये है मशरूम, मैंने एक ही मैरिनेशन का मसाला बनाया था और दोनों में मैंने यूज किया है, बट ट्रस्ट मी ये इतना ज्यादा अच्छा हुआ था ना कि चिकन बहुत सारे बच गए थे पर ये बिल्कुल खत्म हो गया था, वो भी बहुत पहले। तो अभी मैं मैरिनेटेड ये सारी चीजें मैं अभी स्क्यूअर्स के अंदर दे रही हूँ, और मैं स्क्यूअर्स में हमेशा अगर स्क्यूअर्स के अंदर ऐसे मैं कबाब बना रही हूँ ना तो मैं थोड़ा सा कैप्सिकम एंड अनियन के क्यूब्स उस पर ऐड करती ही हूँ। और इधर पे अंश भी उठ चुका है, वो अपने पापा के साथ अभी एकदम बिजी है, और राजीव भी उसको आज सब मतलब दूध पिलाना फिर उसको खाना खिलाना सब राजीव भी कर देगा, और ये करने के बाद मैं नहाने भी चली जाऊंगी। और मैं तो भूल ही गई मैं मैरिनेशन में क्या क्या डाली थी, तो मैरिनेशन में ना जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, देन मेल्टेड बटर, फिर तंदूरी मसाला, एंड थोड़ा सा मैंने इस पर ना कलर भी ऐड किया था। और देखिए सारे स्क्यूअर्स एकदम रेडी है, और इसको मैंने ना एक ट्रे में ले लिए है, और इसके ऊपर से मैं फॉइल पेपर से अच्छे से ढक के लेके चली जाऊंगी। एंड इस पे मैंने ना थोड़ा सा रोस्टेड बेसन भी ऐड किया था, और ये देखिए मेरे ये सारी चीजें एकदम रेडी है, और मैं नहा के भी आ चुकी हूँ, जैसे आइसक्रीम, फिर थोड़ा सा चॉप नट्स, फिर फलूदा, रू अफजा, तो मैं एकदम रेडी हो जाने के लिए। और सारा सामान ना मैंने पहले से ही ऐसे ही बाहर करके रख दिया था कि मैं कोई भी चीजें ना भूल जाऊं। सो आई एम रेडी टू गो आउट, एंड ये बिल्कुल मतलब उन लोगों के घर में एक पार्टी है, एंड दिस इज बर्बीक्यू पार्टी, उन लोगों के बर्बीक्यू के वो सारे सामान होंगे, तो यार लिटिल बिट लेट, 10 मिनट्स लेट हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं, किसी के घड़ी जा रहे हैं, थोड़ी कोई ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं,
चलिए चलती हूँ. एंड उधर पे मैं कोई वीडियोस नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट नो लाइक तीन चार फैमिलीज रहेंगे, इतने लोगों का कंसर्न लेना कि आपको वीडियो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आई वोंट बी डूइंग एनी वीडियो देयर. पर हाँ, मैं कुछ पिक्स लूँगी, वो सारे अटैच कर दूँगी. चलिए अभी चलते हैं. तो जैसे कि मैं बोल रही थी, मैं उधर पे कोई वीडियोस नहीं कर पाई थी, बट आई अटैच सम पिक्चर. सो ये साड़ी था खाने के अरेंजमेंट, और बहुत बहुत इंजॉय किए थे हम लोग, एंड बहुत थक भी गई थी घर आने के बाद. हम लोग घर आए ऑलमोस्ट 7:30 बजे, तो बहुत थक गई थी, उसके बाद वीडियो करने का मन नहीं किया. सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू एंजॉय इट, प्लीज गिव अ लाइक, हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. तो आज के लिए बाय बाय.